स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी हार के लिए वीरभद्र सिंह के समर्थक बन चुके पूर्णचंद ठाकुर को अपनी हार के लिए जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जनता का ज्यादा विकास हजम नहीं हुआ और लोगों ने विकास के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने पूर्णचंद ठाकुर पर लगाम लगाने के लिए कई बार वीरभद्र सिंह से बात भी की, लेकिन वीरभद्र सिंह इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्णचंद ठाकुर सिर्फ उन्हें हराने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने कहा कि पूर्णचंद ठाकुर ने कांग्रेस के ही वोट काटे और यदि ये वोट उन्हें मिल जाता तो वह विधानसभा में होते। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बार ज्यादा विकास हजम नहीं हुआ है, जनता ने विकास के खिलाफ मतदान किया है और दिग्गजों को धराशायी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कई बार ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है, वैसी ही बदहजमी इस बार प्रदेश की जनता को हो गई है और उन्होंने भाजपा को अपना बहुमत दिया है। उन्होंने कहा कि अब 5 सालों में प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि भाजपा कितना विकास करवाती है और फिर जनता को तुलना करने का मौका मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था कि भाई वो कम से कम हिम्मत करेगा मेरे खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि मेरे उस पर बहुत एहसान थे, लेकिन फिर भी किन ताकतों ने उनको खड़ा किया है। और जो वोट ले गया और वो कांग्रेस के वोट गए हैं, जो कांग्रेस के हमारे गढ़ थे वो गढ़ टूटे हैं। अगर उसके वोट सारे मेरे पास आते तो मैं जीत जाता, तो इसलिए ये भी एक कांग्रेस जो है हार का कारण रहा है। जैसा आपने कहा कि पूर्णचंद जी को वीरभद्र सिंह जी की सपोर्ट थी, तो कितना मतलब? नहीं, वो तो ठीक है, 5 साल उसको उसके कहने पे वहां काम होते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद करते रहे, तो निश्चित तौर पे उसका भी हमें नुकसान हुआ है। ऐसा है लोकतंत्र में, जब चुनाव होते हैं तो जो मतदाता फैसला करते हैं उस फैसले को जो है हमें कुछ स्वीकार करना पड़ता है। दरअसल चुनाव क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं ने जो अब की बार फैसला किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने विकास को पूरी तरह नजरअंदाज करके एक सहानुभूति और जो बार बार हार रहा था उसको जो है जिता करके विधानसभा के अंदर भेजा है, और एक तुलना करने का मौका लोगों को मिल जाएगा कि अगले 5 साल में वो क्या काम करेगा और मैंने आज तक क्या काम किया है।